ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी। ट्रेडर्स डायरी लेकिन शुरू करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि कल हमने जो आपको कॉल्स दिए थे वहां पे किस तरह के गेंस देखने मिले। तो सबसे पहले कल देखिए, राणे मद्रास में आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी, वहां करीब 12% के आसपास के गेंस देखे गए। मारुति, कजारिया सिरामिक्स, ट्रेंट, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, ये वो तमाम काउंटर्स थे जहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई थी और अच्छी खासी तेजी जो है कल इन काउंटर्स में देखी गई है। इसके अलावा बिकवाली की भी सलाह थी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, इन्फोसिस में, इंटरग्लोब एविएशन में, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, और देखिए इन स्टॉक्स की कल किस तरह से पिटाई हुई है। अच्छी खासी गिरावट कल मार्केट में इन स्टॉक्स में देखने मिली। वैसे तो कल मार्केट में ही अच्छी खासी गिरावट थी, लेकिन निचले स्तर से थोड़ी बहुत रिकवरी देखी गई थी। आज के संकेत कैसे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सिंगापुर निफ्टी जो है उसमें करीब 30 पॉइंट के आसपास के गेंस जो है फिलहाल देखने मिल रहे हैं। नैसडैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 60 से 70 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजार में लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन था जहां पे गिरावट देखने मिली। उतार चढ़ाव के साथ डाउ में करीब 170 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। S&P 500 और नैसडैक में भी हल्की गिरावट देखने मिली। अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखें तो लाल निशान में कारोबार जो है कल US के मार्केट्स में देखने मिला है। सुबह सुबह हांगकांग, शंघाई अगर यहाँ देखेंगे तो पौन से 1% के आसपास की तेज़ी है। तो सुबह के संकेत अच्छे हैं, ओवरनाइट संकेत जो थे वो थोड़े गड़बड़ करने वाले थे। इसके साथ भारतीय बाजारों में अगर आप देखेंगे तो FIIs की थोड़ी बहुत बिकवाली जो है वो फिर से एक बार शुरू हो गई, वो फिर से एक बार देखने मिली है। ये दिक्कत की बात है, 3-4 दिन लगातार इनने खरीदारी की, कल देखिए 1900 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर दी। तो फिर से ये एक दिक्कत की बात है, देखना होगा इसका कितना रिएक्शन हमारे बाजार पर देखने मिलता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। साथ ही साथ और एक चिंता की बात जो है वो है ओमिक्रॉन या फिर कोविड के बढ़ते केसेस। हालांकि अभी तक लॉकडाउन की बातें नहीं हैं, बट हाँ जिस स्पीड से ये केस बढ़ रहे हैं देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट बाजार पे पड़ता है। आशीष, मेरे टीम में तो अभी तक सब खरीदारी के कॉल्स है, आपकी टीम कैसी है, क्या सब खरीदारी कर रहे हैं या फिर बिकवाली भी करने की कुछ सोच रहे हैं? वरुण, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है खरीदारी की तरफ ही रुझान देखने को मिल रहा है। कल भी अगर आप देखें तो गिरते बाजार में भी हमने आपको अधिकतर जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के बताए, और दिन के दौरान जैसा कि हम शो के दौरान डिस्कस भी कर रहे थे कि आपको जो है खरीदारी देखने को मिलेगी, और वैसा ही बिल्कुल देखने को मिला। और आज तो अगर आप देखें तो संकेत ठीक ठाक हैं। जो भारी गिरावट अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली थी उसको भारतीय बाजारों ने पचा लिया है। फिलहाल आप SGX निफ्टी को देखें तो करीब 35 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। अच्छा, एक और बात है कि जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ओमिक्रॉन के जो मामले हैं, कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये वेरियंट बड़ी तेजी से फैल रहा है। मैं मान रहा हूँ वरुण कि जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि एक जो थियोरी आई थी कि हर्ड इम्यूनिटी काफी लोगों में बन जाएगी और शायद ऐसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा, अब लग रहा है कि बाजार इसको भी फैक्टर इन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आएगा। क्योंकि कल गोल्ड में अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिली, कच्चा तेल लगातार बढ़ता जा रहा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, मार्केट्स में भी अगर आप देखें क्योंकि जिस प्रकार से क्योंकि डेल्टा वेरियंट से 70 गुना तेजी से जो है ये वेरियंट फैलता है, तो हो सकता है कि अब हम जो है एक एंडेमिक यानी जो पैंडेमिक खत्म हो रहा है उसके ओर बढ़ते हुए नजर आए। संकेत ठीक ठाक है, सबके सब स्टॉक जो है खरीदारी के होंगे। करते हैं कि जो पैंडेमिक है वो अब एंडेमिक बन जाए और यहाँ से खत्म हो जाए, संकेत तो ऐसे ही है, देखना होगा कि कैसा होता है। लेकिन चलिए स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं, और पहला काउंटर मैं आपको बता देता हूँ, कैश का काउंटर जो मैंने चुना है वो है NLC इंडिया। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार कह रहे हैं कि कोल इंडिया में खरीदारी करके चलिएगा, क्योंकि जिस तरह से इंडोनेशिया में कोल की दिक्कतें हैं उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट्स में कोल के दाम जो है उसमें लगातार इजाफा देखने मिल रहा है। और वैसे भी देखिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तनातनी है उसके चलते वैसे भी चाइना जो है वो इंडोनेशिया से कोल ले रहा था, वहाँ से दिक्कत आ गई, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट्स में कोल के दाम तो बढ़ नहीं है, और इंडिया में भी यही हो रहा है। कोल इंडिया में तो लगातार हम आपको खरीदारी की सलाह दे रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में NLC इंडिया में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। मुझे लगता है ये तेज़ी जो है यहाँ भी जारी रहेगी, आप खरीदारी करके चल सकते हैं NLC इंडिया में। 66 के लक्ष्य के लिए 62 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले खरीदारी करना है। आशीष, कौन सा स्टॉक है आपका कैश का काउंटर? स्टॉक बताऊं इससे पहले वरुण, लगातार 3 दिनों से स्टॉक में रिडार पर था, लेकिन समाव हर बार जो छूट जाते हैं, थोड़ा कन्विंस नहीं हो रहा था मैं, लेकिन अब आपका देखिए स्टॉक के ऊपर कॉल आ गया, 66 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं, तो बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। मैंने चुना यूनिकम लैब्स को, और आई डाउट कि ये किसी और के रडार पर भी आता है ये स्टॉक जो है। ज्यादातर मैं ही आपको बताता हूँ यहाँ पर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिला है, लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। मैं मान रहा हूँ धीरे धीरे जो है स्टॉक 280 तक के स्तर आपको दिखाकर चल सकता है, 266 के आसपास फिलहाल मिल रहा है, 262 यानी बहुत ही टाइट, यानी 260 का आप राउंड फिगर जो है एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक बढ़िया तेजी देखने को। वैसे भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से जो है स्टॉक में बड़े और डीप करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिले, तो जो फिलहाल स्ट्रक्चर है वो रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है,
तो खरीदारी करके चलेंगे कैश कैटेगरी में, जो यूनिकम लैब्स में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना है ऑटोमोबाइल में अशोक लेलैंड को, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल देखिए गिरते बाजार में आपको मारुति बताया, वहां पर ऑप्शन में 1-1.5% जो है स्पॉट मार्केट में चल गया, यानी ऑप्शन में भी देखें तो बहुत बढ़िया मुनाफा देखने को मिला था ऑटो स्टॉक्स में, और पूरा ऑटो एंसिलरी जो तबका है यहाँ पर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है वो आपको नजर आएगी, लगातार यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है 132.70 के आसपास की क्लोजिंग है फ्यूचर्स में। मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान बाजार का मूड माहौल अगर ठीक रहता है तो 136-138 तक के स्तर जो आपको अशोक लेलैंड दिखाकर चल सकता है। आप सेफर साइड जो है केवल 2-2.5 रुपए नीचे, यानी 130 रुपए का जो है राउंड फिगर आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे, दिन के दौरान बढ़िया तेजी आएगी। चलिए तो अशोक लेलैंड यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, निचले स्तर से हमने आपको यहाँ लगातार खरीदारी की सलाह दी, और आशीष आज फिर से आपको यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। फ्यूचर्स में मेरे तरफ से जो काउंटर है वो है टाइटन का, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। नो डाउट देखिए गोल्ड के दाम गिरे हैं, लेकिन देखिए एक दो दिन गोल्ड के दाम गिरने से कोई बड़ा इंपैक्ट होता नहीं है इस काउंटर पे, इसके लिए वो चीज़ों को आप भूल जाइए। जो इस कंपनी ने क्वार्टरली अपडेट दिया है ना उसको आपको याद रखना है, और वहाँ देखिए इस कंपनी ने कहा है कि प्री पैंडेमिक लेवल के औसत से टिकट साइज जो है उसमें 15% का आसपास का उछाल देखने मिला है। ज्वेलरी सेगमेंट 37% के आसपास की ग्रोथ, वॉचेज एंड आईवेयर में 27% के आसपास की ग्रोथ, दूसरे कारोबार में 44% के आसपास की ग्रोथ है। तो हर सेगमेंट में इस कंपनी ने ग्रोथ डिलीवर की है, और टीयर वन शेयरों में बहुत ही बेहतरीन सुधार देखने मिल रहा है, ये इस कंपनी का कहना है। प्लेन और स्टैंडर्ड कैटेगरी जो है उसमें 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है। प्रीमियमाइजेशन और नए लॉन्च जो है उससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है वॉचेज और जो वेरिएबल्स है उसमें। मेरे ख्याल से जो अपडेट इस कंपनी ने दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है, काफ़ी बेहतर है, और इसके लिए आज आपको इस कंपनी में खरीदारी करके चलना चाहिए। जो बिज़नेस अपडेट इस कंपनी ने दिया है उसके चलते खरीदारी करना है। गोल्ड के दाम जो गिरे हैं उससे इतना इम्पैक्ट इस कंपनी को होने वाला है नहीं, तो उसको आप भूल जाइए। 2690 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 2550 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए अगला काउंटर ऑप्शंस का है, और ऑप्शंस में ONGC का 152.5 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीदारी करके चलिएगा। देखिए कच्चे तेल में जिस तरह का उछाल देखने मिल रहा है वो एक बात आपको साफ दर्शा रहा है कि आगे डिमांड जारी रहेगी, और लगातार ओपेक ने भी यही कहा था कि डिमांड को लेकर उन्हें कोई भी कंसर्न्स नहीं है, और अभी भी आप कच्चे तेल में जिस तरह का उछाल देख रहे हैं वो एक चीज़ साफ दर्शाता है कि डिमांड अच्छी है, लॉकडाउन की इतनी टेंशन है नहीं, इसके लिए कच्चा तेल जो है लगातार उछल रहा है। और जेपी मॉर्गन ने तो मुझे ख्याल से जो 70 के आसपास के टारगेट रखे थे उसको भी बढ़ा के अब $88 के आसपास के टारगेट कर लिए हैं। तो कच्चे तेल को रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं ना वहाँ पे नज़र रखेगा, और ONGC 152.5 का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदारी करके चलेगा। 4 रुपये के लक्ष्य के लिए 2.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कच्चा तेल तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ याद रखिएगा यूरोप में जो गैस प्राइसेस है उसमें लगातार उछाल देखने मिल रहा है, और उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं ONGC पे होगा, इसके लिए आपको करनी है खरीदारी। आशीष आपका ऑप्शंस का कॉल। ऑप्शंस में मैंने चुना है पावरफुल स्टॉक है टाटा पार, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। कल भी अगर आप देखें तो गिरते बाजारों में खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है, और मैं मान रहा हूँ कि एक जो है आप ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर रणनीति बनाकर चल सकते हैं, कोई बड़ी भारी अपसाइड की उम्मीद नहीं लगाकर चल रहे हैं। ये अगर दिन के दौरान 235 तक का भी स्तर जो है आपको अगर स्पॉट में दिखाएगा तो यहाँ पर जो हमारे लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्टॉक की जो लॉट साइज है वो काफी बढ़िया, तो मुनाफा बहुत बढ़िया होगा। आप देखिए कि 9 रुपए के आसपास फिलहाल आपको मिल रहा है, दिन के दौरान अगर 235-236 तक भी अगर टाटा पार जाता है तो इस ऑप्शन की वैल्यू जो है 12.25 रुपए हो जाएगी। लेकिन सिमिलरली आप जो है करीब 4-5 रुपए नीचे का जो है स्टॉप लॉस, यानी स्पॉट मार्केट में करीब 225 तक के स्तर अगर यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो आपको 6.10 रुपए तक का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर चलना है। दिन के दौरान मैं मान रहा हूँ कि स्ट्रक्चर जिस प्रकार का है तेजी आएगी, लेकिन स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना है, आपको यहाँ पर टाटा पावर के कॉल ऑप्शन में जो है खरीदारी करके चलना चाहिए। और अगला स्टॉक जो है वो है टेक्निकल पे, और टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है एक्साइट इंडस्ट्रीज का। वैसे भी देखिए पिछले कुछ दिनों से ऑटो एंसिलरी काउंटर जो उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, और एक्साइट इंडस्ट्रीज भी अगर आप देखेंगे तो वैसे तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन मोमेंटम जो है वो काफ़ी बेहतर यहाँ नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से 170 के आसपास इस कंपनी ने कल क्लोजिंग दी थी, और ये लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से एक बड़ी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है, खरीदारी करके चलेगा। जितने ऑटो एंसिलरी काउंटर्स है 52 हाई के आसपास है, ये स्टॉक अभी भी 52 लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि खरीदारी करके चलेगा। अभी चलना शुरू हुआ है, आपको इंट्राडे में अच्छे खासे लेवल्स देखने मिल सकते हैं, इसमें कम से कम 177 का 167 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर आप पोजिशन कॉल लेना चाहते हैं तो इसमें जो टारगेट निकल के आता है वो 190 से 200 के आसपास का निकल के आता है, तो पोजिशनल कॉल लीजिएगा 200 के आसपास के लेवल के लिए, इंट्राडे का कॉल लीजिएगा 177 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। आशीष आपका टेक्निकल पिक।
टेक्निकल पे कैसा है वरुण, जो पहली बार इस शो के दौरान मैं दे रहा हूँ वो है जिंदल वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे तो स्टॉक जो है लंबे समय से मेरे रडार पर था, लेकिन क्योंकि इसके फंडामेंटल्स में इंडेप्थ जानता नहीं हूँ कंपनी के ज्यादा, लेकिन टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी, और एक बात स्वाभाविक है कि जो स्पेस बजिंग है इसके साथ आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं काफी रिग्रेट हूँ क्योंकि स्टॉक भाग चुका है, लेकिन अब फर्दर रिग्रेट नहीं करना है, फंडामेंटल्स भी इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन तब तक टेक्निकल कॉल जो है वो निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक ऑलरेडी रॉकेट हो रखा है, लगातार कंटिन्यूस बड़ा अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 256 के आसपास चल रहा है फिलहाल, 300 के पार जाने की क्षमता रखता है। 300 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल कॉल है इसलिए सेफर साइड भाग भी ज्यादा चुका है। 220 रुपए का जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस, लेकिन जिस प्रकार के स्ट्रक्चर के साथ बड़ा ब्रेकआउट हुआ है मैं नहीं मान रहा हूँ कि स्टॉक रुकने वाला है। खरीदारी करेंगे जिंदल वर्ल्ड वाइड में 300 रुपए के लक्ष्य के लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा। इसको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि प्री सेल्स में कलेक्शंस में देखें तो काफी बढ़िया जो है यहाँ पर आंकड़े कंपनी ने क्वार्टर थ्री में जो है दर्ज करते हुए आए। कल देर शाम को जो है इनके क्वार्टरली अपडेट्स आए और अपडेट्स काफी बढ़िया देखने को मिले स्टॉक में। पिछले दिनों में देखे तो करेक्शन भी आ गया है, तो प्री सेल्स के आंकड़े तो काफी बढ़िया ही देखने को मिल रहे हैं। साथ में दो दिन पहले इन्होंने अपडेट देके बताया कि लंदन में भी जो है 1900 करोड़ के आसपास की जो है इन्होंने प्री सेल्स की बुकिंग की है, तो यानी विस्तार भी हो रहा है। मुंबई से हटके जो इंटरनेशनल मार्केट्स पर भी फोकस कर रहे हैं, तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1280 रुपए का लक्ष्य है, 1185 यानी केवल 15 रुपए का जो रिस्क है वो आपको लेना होगा। बढ़िया तेजी यहाँ पर आएगी कि जो इन्होंने क्वार्टरली अपडेट दिया है उसके बलबूते पे। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है गैस कंपनी का स्टॉक और वो है IGL। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा क्योंकि लंबे समय बाद अब गैस कंपनीज में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कल हमने देखा कि गुजरात गैस में जिस तरह की तेज़ी देखने मिली, IGL MGL में भी थोड़ा बहुत अपटेक देखने मिला था। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी बहुत तेज़ी के लिए जो गैस कंपनीज है वो तैयार हो रही है, और इसके लिए आपको IGL में करनी है खरीदारी। यहाँ पे रखिएगा 484 का टारगेट, 455 का आपको स्टॉप लॉस रखना है जिसके तहत आपको करनी है खरीदारी। वैसे भी अपने 50 डे हाई से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स काफ़ी पिटे हुए थे, तो इन लेवल्स पे खरीदारी जो है बनती है। आप चाहिए तो यहाँ पे पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं इन कंपनियों में। अगला स्टॉक है इन्वेस्टमेंट का स्टॉक, और इन्वेस्टमेंट आपको करना है ग्लीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ में। देखिए स्टॉक एक तो काफ़ी अच्छे लेवल पे उपलब्ध है, करीब 210 के आसपास काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। प्लाईवुड मार्केट में ये एक लीडर है। हाउसिंग डिमांड जो बढ़ेगी और जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के तरफ शिफ्ट हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो ये कंपनी रहेगी। आशीष ने मैक्रोटेक डेवलपर्स में आपको बताया किस तरह की ग्रोथ देखने मिली। इनफैक्ट जितनी रियल एस्टेट कंपनीज है ये काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ डिलीवर कर रही है, और याद रखिएगा जब जब ये कंपनियाँ ग्रोथ डिलीवर करेगी तब तक इनके साथ कुछ एंसिलरी कंपनीज होती है, जैसे कि पेंट कंपनी हो या फिर इस तरह की प्लाईवुड कंपनीज हो, उनको काफ़ी हद तक फायदा होता है क्योंकि घर के साथ आप फर्निशिंग और बाकी काम जो है वो भी कराते हैं। इसके लिए इन काउंटर्स को आपको याद रखना होगा। MDF कारोबार में कहीं ना कहीं फोरे कर लिए जिसके चलते अर्निंग्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। तो मल्टीपल ट्रिगर्स है जो कि इस कंपनी को काफ़ी अच्छा बनाते हैं, और 21 से 24 तक कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि अर्निंग CAGR जो है वो 40 से 50% के आसपास रह सकती है। अच्छा लगता है इन लेवल्स पे 6 महीने के लिए खरीदारी कीजिएगा। 300 रुपये के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं इस काउंटर में। आशीष आपका इन्वेस्टमेंट पे? देखिए निवेश के लिहाज से स्टॉक में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ काफी बार, पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वरुण स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, और टेक्सटाइल स्पेस ऐसा है जहाँ से नजर नहीं हट रही, बहुत चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर आप देखें तो इनके जो स्ट्रक्चर है कंपनीज के वो कमजोर नजर आ रहे हैं, चार्ज कमजोर है, नहीं तो अधिकतर स्टॉक्स अगर आप देखें तो बढ़िया और अच्छे अप ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। पेज इंडस्ट्रीज मैंने 51,000 रुपए के लक्ष्य आपको खरीदारी करने की राय दी थी, इससे पहले 700 रुपए और बढ़ा रहा हूँ। 9 से 12 महीने का जो व्यू है वो इंटैक्ट है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फंडामेंटल्स तो नो ब्रेनर है, अब तो सभी जानते हैं इस कंपनी को कि किस प्रकार की ग्रोथ, अच्छा कारोबार, बढ़िया मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। कंपाउंडिंग मशीन है पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप जो है निवेश करके चल सकते हैं 51,700 रुपए के लक्ष्य के लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर स्टॉक नहीं चुना है, नतीजों के दम पर स्टॉक चुना है। अब उसकी शुरुआत हो ही रही है, रिजल्ट सीजन आने ही वाला है, तो अब रोज आप देखेंगे कि लगातार हमारी जो इस कैटेगरी में जो है नतीजे वाले स्टॉक रहेंगे। आनंद राठी वेल्थ, यहाँ पर जो है नतीजे पेश हुए, नतीजे साल दर साल देखें तो हर पैमाने पर, आय हो, मुनाफा हो, एबिटा हो, मार्जिन, हर लिहाज से आप देखिए काफी बढ़िया शानदार नतीजे आए हैं। 650 रुपए का लक्ष्य है, 628 रुपए का जो है आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के दम पे मैंने जो स्टॉक चुना है वो है अपडेट के दम पर, और अपडेट दिया है गोदरेज कंज्यूमर्स ने अपने Q3 का। नो डाउट इनकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीमी रही है, और कंपनी ने पहले कहा भी था कि ग्रोथ जो है वो थोड़ी धीमी रहेगी। इंडोनेशिया में दिक्कत है तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए ये था कि कंपनी ने कहा कि लागत खर्च में बढ़ोतरी के चलते ग्रॉस मार्जिन पर दबाव होगा। देखिए
मेरिको के इसके पहले जो आए थे अपडेट उसमें उन्होंने कहा था कि ग्रॉस मार्जिन पे थोड़ा सुधार होगा, उसके चलते माना जा रहा था कि हो सकता है एफएमसीजी स्पेस में थोड़ा बहुत यू नो ग्रॉस मार्जिन को लेकर चिंताएं जो थी वो हल्की कम होते हुए नज़र आ सकती है, लेकिन इनका अपडेट जो है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रॉस मार्जिन पर दबाव होगा, तो ये शायद मेरे ख्याल से मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आज यहाँ गिरावट हो सकती है। 925 के लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं बिकवाली, 965 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, और इसमें भी तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले हुडको, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि पिछले कुछ दिन से अगर आप देखेंगे इसका टेक्निकल चार्ट निकाल के तो आपको समझ में आएगा कि इस काउंटर में अब धीरे धीरे खरीदारी होना शुरू हो रही है। वैसे भी आपने देखा कि सरकारी कंपनियों में रह के खरीदारी हो रही है, कल भी स्टॉक में करीब 3-3.5% के आसपास की तेज़ी थी। मुझे लगता है इस काउंटर में यहाँ से तेज़ी जो है वो आगे भी बरकरार रहेगी। 43 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 40 का स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन यहाँ पे इस काउंटर को नज़र में रखिएगा, अगर गिरता है ना तो निश्चित तौर पे खरीदारी के भी इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन मौके बनते हैं। अगला स्टॉक एक आईटी कंपनी से और वो है बिरला सॉफ्ट। देखिए नो डाउट यूएस के मार्केट्स में आईटी कंपनीज में गिरावट हो रही थी, इसके लिए हमारे अभी आईटी कंपनीज में गिरावट देखने मिल रही थी, लेकिन कल आपने एक एग्जांपल देख लिया, केपीआईटी टेक पे एक रिपोर्ट आई और स्टॉक में देखिए किस तरह की तेज़ी देखने मिली, तो कहीं ना कहीं आईटी में खरीदारी का एपेटाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और आज नैसडैक में ज़्यादा गिरावट हुई नहीं है ये आप याद रखिएगा। यानी कि आईटी काउंटर में जो गिरावट थमने का सिलसिला है, गिरावट का सिलसिला जो है वो थम गया है, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट भी आपको आईटी काउंटर्स पे देखने मिलेगा, और अगले हफ्ते से तो आईटी स्टॉक्स के नतीजे जो है वो आने वाले हैं। तो ये मिड कैप आईटी कंपनी जो है उसमें आपको खरीदारी करना है 560 के लेवल के लिए, 550 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और आखिरी स्टॉक है आईएक्स, कल आखिरी घंटों में इस काउंटर में खरीदारी हुई थी, मुझे लगता है खरीदारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। 270 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 255 का आपको इस काउंटर में रखना है स्टॉप लॉस। वैसे भी लगता है कि यहाँ से पावर की कीमतें जो है उसमें थोड़ा उछाल आपको देखने मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। देखिए माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा जेबीएम ऑटो, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। स्ट्रक्चर और टेक्निकल्स बहुत शानदार है, लगातार स्टॉक रिकमेंड किया और हर बार जो है लक्ष्य यहाँ पर हासिल होते नजर आए, लेकिन इस स्टॉक से फोकस नहीं हटाना है। करीब करीब 50 रुपए तक की जो अपसाइड है आपको और देखने को मिल सकती है, 1318 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में, जैसे कि वरुण आपको बता रहे थे कच्चे तेल में किस प्रकार का उछाल देखने को मिल रहा है, बढ़िया सस्टेनेबल तेजी यहां से नजर आ रही है, और काफी ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि यहां से और बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। तो एमआरपीएल 47.5 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करके चले, 44 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में इगार्शी मोटर्स, ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी अगर आप देखें तो बस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इगार्शी मोटर्स यहाँ पर देखें तो कल अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी और बढ़िया ब्रेकआउट का स्तर देखने को मिला है, खरीदारी करके चल सकते हैं 555 रुपए के लक्ष्य ले, 524 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 517 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस, दिन के दौरान आएगी तेजी। चलिए तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं। कैश का काउंटर है एनएलसी इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, अच्छी तेजी देखने मिलेगी। फ्यूचर में टाइटन में खरीदारी कीजिएगा क्योंकि जिस तरह से अपडेट इस कंपनी ने दिए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। कच्चे तेल में उबाल देखने मिल रहा है, इसके लिए ONGC का 152.5 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली एक्साइड अच्छा लगता है, फंडामेंटली IGL का काउंटर जो है वो पसंद आ रहा है। निवेश करना है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में, अगले 6 महीनों में 300 के आसपास के लेवल काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें गोदरेज कंज्यूमर्स में है, जो अपडेट इन्होंने दिया वो अच्छा नहीं है, हो सकता है आज स्टॉक में गिरावट देखने मिले। माई चॉइस में हुडको, बिरला सॉफ्ट और IEX में आपको करनी है खरीदारी, और आज का मेरा बेस्ट पिक है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, क्योंकि प्लाईवुड मार्केट में ये मार्केट लीडर, और जिस तरह से हाउसिंग डिमांड बढ़ रही है उसका इंपैक्ट जो है आपको ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज में भी देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, 4-6 महीनों में 300 का लेवल देखने मिल सकता है। चलिए कैश का स्टॉक है यूनिकम लैब्स, अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है, टाटा पार 230 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और टेक्निकली बड़े ब्रेकआउट के संकेत है, जिंदल वर्ल्डवाइड में 300 के पार जाएगा, फंडामेंटली अपडेट्स आए लोधा की तरफ से, 1280 रुपए का लक्ष्य है। निवेश के लिए आज से खरीदना है पेज इंडस्ट्रीज और आनंद राठी के नतीजों का असर देखने को मिलेगा। जेबीएम ऑटो 1400 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे, कच्चे तेल में जिस प्रकार का उछाल आया है, 47.5 रुपए के लक्ष्य लिए एमआरपीएल में खरीदारी करेंगे, और इगार्शी मोटर्स में भी ब्रेकआउट है, 555 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है इगार्शी मोटर्स, कल अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में आई है खरीदारी, और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है ऑटो एंसिलरी स्पेस पूरा बजेंगे, 555 रुपए के लक्ष्य लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए तो ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है उसमें अच्छा खासा बस देखने मिल रहा है, इसके लिए काफ़ी सारे मेरे टीम में भी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो ऑटो कंपनीज के थे, और आशीष के टीम में भी ऑटो कंपनीज के काफ़ी सारे स्टॉक्स थे। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि सिंगापुर निफ्टी और नैसडैक और डाउ फ्यूचर में किस तरह का कारोबार हो रहा है। तो सिंगापुर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो अभी भी करीब 28 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिल रही है। नो डाउट ऊपरी स्तर से कुछ नीचे आया है, लेकिन उन स्तरों पर कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है ये SGX निफ्टी। देखते हैं कितना इम्पैक्ट इसका देखने मिलता है
क्योंकि वैसे पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो एसएक्स निफ्टी का इतना इंपैक्ट जो है भारतीय बाजारों पे हुआ नहीं है। लेकिन एक बार नैसडैक फ्यूचर और डाउ फ्यूचर भी दिखाइएगा, वहाँ अभी भी तेज़ी का सिलसिला जो है वो बरकरार है। नैसडैक फ्यूचर देखिए 47 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो नैसडैक था उसमें अच्छी खासी गिरावट हुई थी, लेकिन उन लेवल से अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सुस्ती का माहौल है वो आईटी काउंटर्स को लेके कम हो रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि नैसडैक फ्यूचर्स जो है वहाँ पे आज भी अच्छी खासी तेज़ी है, और नैसडैक में जो गिरावट का सिलसिला था ना वो थोड़ा थमा है, ख़त्म नहीं हुआ है। 0.1% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन थोड़ा जो थमा है ना वो भी एक अच्छी खासी राहत की बात है। डाउ फ्यूचर्स यहाँ देख लीजिए, करीब 55 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो डाउ फ्यूचर्स में भी देखने मिल रही है। हैंगसेंग यहाँ करीब 130 अंकों के आसपास का उछाल जो है वो देखा जा रहा है, और शंघाई में भी करीब 4.5% के आसपास की तेज़ी देखी जा रही है। तो अक्रॉस अगर आप देखेंगे यूएस के मार्केट्स का ओवरनाइट क्यू छोड़ दीजिएगा, सुबह सुबह जो आपके एशियन मार्केट्स है और डाउ फ्यूचर्स नैसडैक फ्यूचर्स जो है वो तेज़ी का मूड और माहौल साफ दर्शा रहे हैं।